हाँ जी हरमिंदर जी, गुड आफ्टरनून जी। सर क्या हुआ? आई विल टेल यू द अप्रोप्रिएट टाइम एज पर द अवेलेबल। अमृतसर कमिश्नर दे थाना सदर विखे 8वें महीने की 11 तरीक नूं एक वारदात हुई सी, जिस विच शरेआम दिन दिहाड़े गोलियां मार के एक नौजवान का कतल किया गया सी। उस दिन सानू बलवंत सिंह जो कि बटाला रोड का रहने वाला वा, उसने सानू एक इतलाह लिखवाई सी कि जदों वो दुपहरे बटाला रोड से ओंकार फैक्टरी के नज़दीक जा रहा सी, तां मोटरसाइकिल ते उसका लड़का राहुल सोमा ते नाल उसका दोस्त प्रिंस जो कि दोनों मोटरसाइकिल ते आ रहे सन, ते सामने तो मोटरसाइकिल ते दो अणपछाते नौजवान आते हैं। वो पहला तो उन्होंने रोक के उन्होंने लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो फिर जो इसका बेटा राहुल तो उसका दोस्त प्रिंस उन्हों का विरोध करते हैं, तो वह अपने जो उन्होंने को वैपन हों मौके पर वैपन नाल दोनों से शरेआम उन्होंने मार देने की नीत नाल गोलियां चलाते हैं, जिस विच जो बलवंत सिंह का लड़का सीगा राहुल उर्फ सोमा, इसके दो गोलियां लगदियां हैं, एक पिठ ते मोढ़े तो थले ते दूसरी गोली उसकी लत्त लगती है, जिस तो बाद इमीडिएटली इसका दोस्त प्रिंस ते इनू जल्दी नाल केडी हस्पताल विखे लैके जाते हैं, जिथे केडी हस्पताल विखे डॉक्टर्स इन्हों मृतक घोषित कर देंगे, जिस तो बाद असी इन्ह के फादर बलवंत सिंह का स्टेटमेंट लैके अणपछाते नौजवानों के खिलाफ 302, 34 ते 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत एक मुकदमा रजिस्टर किया। जिस मुकदमे की जदों असी सदर की टीम नाल साड़ी उदों सी आई दी टीम जो असी इन्वेस्टिगेशन विधी तो 24 घंटे के अंदर अंदर इस मुकदमे असी ट्रेस करता सी, ते इस विच जो एक दोषी सीगा राहुल डड्डू उसनों असी 24 घंटे के अंदर ही अरैसट करने विच कामयाब होए सी। बट जो मेन दोषी सीगा जिसने अपने दस्ती हथियार नाल वार किया सी ते जिसकी इस लड़के नाल वजह रंजस सी, जिसका नाम सी विकास शाही उर्फ विक्की जॉन, जिस जो कि उत्थों मौके तो फरार हो गया सी, ते सानू काफ़ी 2 महीने तो इस मुकदमे वांटड सीगा। साडी पुलिस पार्टी भी इस चीज़ में बड़ी भाल कर रही सी, पूरे पंजाब दे विच अलग अलग जगह पर इसके खिलाफ रेड की गई सी, ते रीसेंटली इसते मटौर थाने विखे एक NDPS का मुकदमा पिछले महीने दर्ज होया सी, जिसकी सानू इनफॉर्मेशन सी, ते असी इस नूं हुण प्रोडक्शन वन ते लिया के इस मुकदमे में अरैसट किया वा। सो इस कोलों जो मौके की वारदात जो गोलियां मारिया गई, जो उस बत्ती बोर का पिस्टल भी इस्तेमाल किया गया सी, वो असी पिस्टल भी ये को बरामद कर लिया वा, तो जो मोटरसाइकिल ये दोनों जने आए सन वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया। सो इस मुकदमे में दोनों वांटड दोषी वो भी अरैसट हो गया, तो जो साडा इस हथियार वरतों की गई सी हथियार से जिंदा कारतूस भी इस को बरामद किए गए हैं जी। नहीं, दो जो वारदात के समय दोनों नौजवान ही मौके पर मौजूद सन, इन्हों वालों ही वारदात की गई है, तो बाकी इन्हों का पहला भी क्रिमिनल नेचर आपस के रंजिशबाजी है, जिमें जो ये मेन दोषी असी जो विक्की जॉन अरैसट किया वा, इसते पहला भी 379B के 379 के NDPS के तहत अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। सो ये दो लोग ही सानू वांटेड सन, दोनों आपस कोई आपस के पहला भी खहबाजी किसी कारण हुई सी, इस तो पहला भी आपस के हत्थापाई लड़ाई झगड़ा इन्हों का होया वा, कोई पैसे के लैन देन करके ज होर कारण करके, सो उस रंजिश के तहत ही इसने मिथ के उसने गोलियां मारिया। नहीं जी, ये देसी पिस्टल है, गैर लाइसेंसी है जी। थैंक यू जी।